तो अभी यार मैं नहा के आ गया हूँ, तो मैं अभी और खाना बना भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक मैं अपना सी प्लस प्लस कम्प्लीट कर लेता हूँ और कोडिंग भी कर लेता हूँ। तो अभी यार पढ़ेंगे इसको और फिर कोडिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं आज बहुत लेट उठा हूँ क्योंकि आज मैं लेट सोया था। तो अभी चलते हैं, होते हैं फ्रेश और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी यार दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो इसको कम्प्लीट होने में लगेगा टाइम। अभी मेरा ये ब्रेकफास्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम पहले फिनिश करेंगे, फिर बाद में चलेंगे स्टडी रूम पे। तो अभी हम चल रहे हैं अपने रूम पे और देखते हैं कि, तो ये देखो यार क्या हाल करके मैं रात में छोड़ के चला गया था, है ना। रात में यार मैं थोड़ा पढ़ा था, फिर नींद आ गई तो मैं उठ के चला गया। तो इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं, बातें करेंगे कुछ। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 17 जून से, तो मुझे अब इस थोड़ा पढ़ाई में अलग प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरा जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट है तो कंप्लीट हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं वो टॉपिक कंप्लीट करता हूँ जो मेरे कंप्लीट नहीं है, और फिर मैं लास्ट के 4 दिन ऐसा कुछ ऐसा पढ़ूँगा मतलब कि पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूँगा। और फिर और दूसरी बात कि इस बार मेरे जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होने हैं, मेरे 3 सेमेस्टर के पेपर मतलब ऑनलाइन हुए थे क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो उतना मैं पेपर दिया नहीं अभी कॉलेज में, तो मेरे को आइडिया नहीं कि कॉलेज में कितना लिखना चाहिए मेरे एग्ज़ाम में कि आपको नंबर पूरे मिले। तो अभी मेरे को ये नहीं मालूम है, है ना। तो अभी मेरे को सीनियर से भी बात करनी पड़ेगी कि क्या कैसे लिखना चाहिए। तो और अभी यार मुझे प्रैक्टिकल भी लिखना है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि अगले वीक में मेरे प्रैक्टिकल होने हैं, तो मैं पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ जो भी मेरा मतलब कि स्टडीज के अनुसार जो मेरे अभी विच सब्जेक्ट का टाइम होगा उसको कम्प्लीट करूँगा। अभी यार मैं नहा के आ गया हूँ, तो मैं अभी और खाना बना भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक मैं अपना सी प्लस प्लस कम्प्लीट कर लेता हूँ और कोडिंग भी कर लेता हूँ। तो अभी यार पढ़ेंगे इसको और फिर कोडिंग करेंगे। Find the real, find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, oh, it's time for the meaning. Now we show, we're coming winning. So दोस्तों अभी मेरी कोडिंग कंप्लीट हो गई है और मेरा खाना भी बन गया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने एंड फिर इसके बाद रेस्ट भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।